शातिर लुटेरे जो है बहुत ज्यादा सक्रिय है करनाल के सेक्टर 13 में, आप देख सकते हैं ओल्ड हाउसिंग बोर्ड में, जहां पर वेरका कंपनी का जो ये आउटलेट है यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गल्ले में से 35,000 रुपए बड़े शातिर तरीके से जो लुटेरे थे, जो चोर थे, वो निकाल कर जो है फरार हो जाते हैं। सूचना मिलते ही आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है, मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। बड़े ही शातिर तरीके से 35,000 रुपए गल्ले से निकाल जाते हैं। जब दुकानदार जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद थे, जो महिला दुकानदार है वो यहाँ पर बैठी हुई थी, और जैसे ही वे सामान लेने के बहाने आते हैं और तभी गल्ले में रखे 35,000 रुपए ले जाते हैं। और आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में इस तरह की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। और कभी भी अगर आप ग्राहक अगर आपकी दुकान पे आता है तो आप गल्ला छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, कैश काउंटर छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, इस चीज का ध्यान अवश्य रखें। आप देख सकते हैं कि हालांकि जो दुकानदार है वो अपने दूसरे आउटलेट पे गए हुए थे, और जो महिला दुकानदार और उनके बेटे हैं वो यहां पर जो है वेरका के आउटलेट पर बैठी हुई थी, लेकिन 35,000 रुपए की नकदी जो है लुटेरे लूटकर फरार हो जाते हैं। और इस समय जो दुकानदार है वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, और हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो बड़े ही शातिराना तरीके से एक लुटेरा आता है, एक चोर आता है, पहले जो है महिला दुकानदार और उनका बेटा जो है वेरका के इस आउटलेट पर बैठे हुए थे, इनसे आकर ब्रेड पूछा, उन्होंने कहा कि एक ब्रेड पड़ा है, उनको उन्होंने कहा कि 10 ब्रेड चाहिए। इतने में साथ जो है जहां पर एजेंसी है ब्रेड की वहां से 10 ब्रेड लेने जाते हैं। इतने में महिला दुकानदार यहां पर जो अपनी सीट पर बैठी हुई थी उनसे कुछ और सामान मांगता है, और जैसे महिला दुकानदार कुछ सामान उठाने जाती है तो ये जो गल्ला आप इस समय आप देख सकते हैं कि इस गल्ले को खोलकर यहां पर रखे तकरीबन 35,000 रुपए जो लुटेरा था वो लूट कर फरार हो जाता है, चोरी कर फरार हो जाता है। बड़े ही शातिराना तरीके से वेरका के आउटलेट पर जो है ये चोरी हुई है। महिला दुकानदार इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे जिस तरह इसकी वारदात आपके साथ हुई है, दूसरों के साथ ना हो तो क्या कुछ बताएंगे, क्या हुआ सारा? ये डर लेना चाहिए, मेरे को उसने बोतलें मांगी, मैं कहता ठंडी चाहिए, मैं ठंडी क्या करोगे, पेटी में तो डालनी है, नॉर्मल ले लो आप, कहते नहीं ठंडी दे दो, ठंडी पैक करके दे रही हूँ मैं इसको, गिन रही हूँ मैं, पता नहीं चला किस समय, मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं ही नहीं। तो कितनी बोतलें मांगी उसने? 24 बोतलें। 24 बोतलें, मतलब ताकि आपको टाइम लगे। हाँ, 24 बोतलें निकाली, ठंडी सारी निकल गई थी फ्रिज में। बेटे को कहाँ भेज दिया बेटे? उसने ब्रेड, कहते ब्रेड चाहिए, ब्रेड थी एक, मतलब ब्राउनी कहते 10 चाहिए, बेटा कहता मम्मी ले आई साथ में दुकान से, आप ग्रेड पूरा करो, वो लेने गया जो पीछे देखा तो अब है ही नहीं। जी क्या नाम है आपका? पूनम। तो बड़े ही शातिर तरीके से चोरी हुई है, बड़े ही शातिराना तरीके से चोरी हुई है। वेरका का आउटलेट जो सेक्टर 13 में, आप अंदाजा लगा सकते हैं जो दुकानदार है उनके दो आउटलेट है करनाल में, एक करनाल के हाईवे पर जो बलड़ी पे एक पेट्रोल पंप जो नया ओपन हुआ है वहां पर जो है उन्होंने नया आउटलेट बनाया, और एक आउटलेट सेक्टर 13 में है ओल्ड हाउसिंग बोर्ड मार्केट में है। महिला दुकानदार और उनका बेटा दुकान पे बैठे हुए थे, और जो दुकान के मालिक है उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। सर बड़े ही शातिर तरीके से जो है इस तरह की ठगी और लूट हुई है, ताकि दूसरे लोग अलर्ट पर रहे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, पूरा मामला कैसे हुआ ये सारा? सर एक्चुअली बेटा अभी थोड़ी देर पहले आया था, जब मैं यहाँ से निकला तो हमारा आउटलेट एक हाईवे के ऊपर बलड़ी बाईपास के ऊपर वीर पेट्रोल पंप के ऊपर भी है जी। तो मैं वहाँ जाके बैठा ही था तो पीछे से फ़ोन आता है कि गले में से पैसे आप तो नहीं ले गए। मैं कहा मैं तो तुम छड़ के गया वहाँ भी 35,000 रुपये रख के गया भी, और किस्त जमा करानी सी बेटे ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बीच, तो मैं पैसे दे के चला गया। तो बेटा तो मिसिज नो समान मंगता है तो कस्टमर, तो दूसरी बारी वो बेटे को कहता कि मैं 10 ब्रैड दे दौ, बेटा कहता एक ब्रैड हैगी है, तो कहते मैं लिया दौ, बेटा दूजे पासों ब्रैड लैन चला गया। तो पिछू मिसिज नूं कहिंदा हैगा भी मैनू 24 पीस बोतलां दे दिओ, मैं गर्म नहीं लैणी है ठंडियां दे दिओ, वो ठंडियां बोतलां निकालन लग गए हैगे है, तो इन्नी देर चो गले चो ध्यान उधर होया और पिछू गले चो हथ मार के साफ हो गया। तो बिल्कुल ही शातिर तरीके से ये चोरी होती है, और हम आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं 10 ब्रेड के पैकेट आप देख सकते हैं यहाँ रख दे सर इसको, किस तरह से शातिर तरीके से हुई है मैं आपको पूरा वाक्य बताऊंगा। ये दुकानदार हैं यहाँ पर, वेरका का आउटलेट है सेक्टर 13 में, उनके पास आते हैं कि उनको जो है ब्राउन ब्रेड चाहिए, इन्होंने कहा कि मेरे पास एक ब्रेड है, इन्होंने कहा कि मुझे 10 पैकेट चाहिए, और नजदीकी जो ब्रेड की एजेंसी है वहां से बेटा जो है वो 10 पैकेट ब्रेड लेने जाता है। महिला दुकानदार यहां पर बैठी हुई थी, उनको बातों में लगाता है और उनको कहता है कि फ्रिज में से आप मुझे 24 ठंडी बोतलें दूध की दे दें, और हालांकि महिला ने कहा कि बंद पेटी आप ले लीजिए, नहीं उन्होंने कहा कि ठंडी चाहिए, ताकि महिला यहां पर पेटी रखकर उसमें से 24 बोतलें एक एक
करके जब निकालने लगी तो इतने में जो है गल्ले में से हाथ साफ करके 35,000 रुपए की नकदी जो है, जो शातिर लुटेरा था, जो शातिर चोर था, वो चोरी करके चला जाता है। आप देख सकते हैं कि महिला दुकानदार यहां पर थी, जिस तरह से इनके साथ वारदात हुई है, और किसी के साथ ना हो, सभी दुकानदार अलर्ट रहे, एक्टिव रहे, क्योंकि इस तरह से शातिर तरीके से चोरी की घटनाएं पहले भी कई बार हुई है। और हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के सेक्टर 13 में वेरका का एक्सक्लूसिव आउटलेट है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वेरका के सभी एक्सक्लूसिव ब्रांड्स जो है आपको यहां पर मिलते हैं। और तभी जो ग्राहक है वो यहां पर आया और उसने किस तरह से 24 बोतलें लेने के बहाने किस तरह से जो है महिला जो अकेली दुकानदार बैठी थी उनसे 35,000 रुपये उनके गल्ले से जो है चोरी कर ले जाता है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और आप ये लाइव तस्वीरें समय सेक्टर 13 मेन रोड की देख सकते हैं। हालांकि सीसीटीवी तस्वीरें जो है आसपास के कैमरों की जो है खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कहीं साफ तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हो। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, तो दुकानदार है सर, सीसीटीवी कैमरे में किसी में कैद हुई है, क्या कहना चाहेंगे? वो साथ वाले कैमरे में आ गई है, आपने अगर रिकॉर्डिंग लेनी है तो रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। साफ तस्वीरें, साफ तस्वीर तू देख ली है? बाइक नंबर शो नहीं हो रहा, तो उस बंदे की शक्ल हो गई है। तो हम आपको उस बंदे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, उस बंदे की तस्वीरें जो शातिर चोर था, जो शातिर ठग था, 10 ब्रेड के पैकेट लेने बेटे को भेज दिया और महिला दुकानदार को 24 ठंडी बोतलें फ्रिज में से निकालने में बिजी कर दिया और इतने में ही 35,000 रुपए की नकदी गल्ले से चोरी कर भाग गया। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं हम, उस शातिर चोर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव सीसीटीवी तस्वीरें देख रहे हैं और जो भी कोई शख्स इस शातिर चोर को पहचानता है तो इसकी जानकारी वह तुरंत पुलिस को दे सकता है। जुड़े रहिएगा। ये शख्स जो पैदल गया है वो शातिर चोर है। ये बाइक वाला सर, ये बाइक वाला है। इसकी ध्यान से आप देख लीजिए, ध्यान से आप तस्वीर देखिए, मैं आपको दोबारा से तस्वीर दिखाऊंगा। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से शातिर चोर दुकानदार को 24 ठंडी बोतलें निकालने में लगा दिया। और जबकि जो दूसरा ये शख्स देख सकते हैं, मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगा, ये लाइव सीसीटीवी तस्वीरें देख रहे हैं उस शातिर चोर की। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, यहां पर बाइक पर आएगा, नीले रंग की उसने जैकेट डाली हुई है। ये शख्स आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े शातिर तरीके से यहां से जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देख आप देख सकते हैं दो दो कैमरों में कैद हुई है शातिर तरीके से। हेलमेट भी नहीं उतारा था इसने जी, हेलमेट नहीं उतारा, बड़ा ही शातिर चोर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। हेलमेट तक नहीं उतारा ताकि इसकी लाइव सीसीटीवी जो तस्वीर है कैमरे में कैद ना हो पाए। पीसीआर इंचार्ज जो यहां पर मौके पर पहुंचे हैं उनसे जानना चाहेंगे, जनाब क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या शुरुआती तौर पर आपके पास जानकारी आई है ताकि दूसरे व्यापारी भी अलर्ट हों? मैं सेक्टर 13 की मार्केट में अपना रूटीन की ड्यूटी कर रहा था तो कंट्रोल रूम की तरफ से हमारे पास एक वायरलेस आई कि अब उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया भाई साहब का कि अभी आप तुरंत मूव करें और इस नंबर से बात करें। दो बारी ट्राई किया, तीसरी बारी में इनका मेरा जो है ना कॉन्टैक्ट हुआ इनसे और कॉन्टैक्ट करते फिर उन्होंने बताया, बोला जी मैं तो अभी ITHO की तरफ निकल चुका था लेकिन मेरी मैडम बैठी है, कोई लड़का आया, उन्होंने 10 ब्रेड के पीस मांगे हैं और उसके दौरान ही कोई पैसे उठा के ले गया भाई। तो हम जैसे हम आया देखा तो इस जो वेरका का जो आउटलेट है इसमें कोई कैमरा नहीं है, हाँ अड़ोस पड़ोस में है, उनसे हमने CCTV की अपनी फुटेज ली है और आपके माध्यम से मैं चेत करना तो लोगों को कि भी इसको एक बार पहचाने क्योंकि ना तो उसमें नंबर आया ना कोई उसकी डंडी है। फिलहाल कोशिश करें और जो बड़े कैमरे चौंकों पे हैं उनको भी हम ट्राई करेंगे कंट्रोल रूम में जाकर तो ताकि उसका कोई बाइक का नंबर आ जाए। नंबर लगता है कि बड़ा शातिर है चोर जो है क्योंकि दुकानदार को जो है 10 ब्रेड के पैकेट लेने भेज देता है, महिला दुकानदार को 24 ठंडी बोतलें फ्रिज से निकालने में बिजी कर देता है और खुद 35,000 रुपए गल्ले से साफ कर जाता है और हेलमेट डाला हुआ है ताकि उसकी तस्वीर कैमरे में कैद ना हो। शातिर है, बहुत ज़्यादा शातिर है, उन्होंने उसके अपना माइंड को कन्वर्ट किया ताकि वो तेरी वो महिला जो अपना सामान में बिजी हो जाए, पीछे से आराम से वो पैसे उठाया बिना सामान लिए चला गया। और जो दूसरे CCTV में जो मैंने आपको दिखाई है अभी वो यहीं से बैक गया जी, वो वापस गया अपना मटका चौक की तरफ। तो हम देखते हैं अभी अपना कंट्रोल रूम में जाएंगे, अपना अभी जो बड़े CCTV कैमरे लगे हैं चौकों पर उनको भी खंगालेंगे तो बिल्कुल ताकि तो बाइक का नंबर जो है पकड़ा जा सके। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। जैसे ही पुलिस के पास जानकारी लगी तो पुलिस जो है वेरका के उस आउटलेट पर पहुंच जाती है और जो दुकानदार है उनके बयान लेती हुई नजर आ रही है। करनाल के सेक्टर 13 में बड़े शातिर तरीके से जो है ये एक चोरी की वारदात होती है, ठगी की वारदात होती है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, दुकानदार के बयान लिए जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि हुआ क्या। वेरका का आउटलेट है, एक्सक्लूसिव आउटलेट है, एक आउटलेट इनका वीर पेट्रोल पंप जो करनाल नेशनल हाईवे पर पड़ता है, बलडी बाईपास के पास वहां पर है। और जैसे जो इनके
मेन दुकानदार हैं इनके, वो दूसरे आउटलेट पर गए हुए थे, इनका बेटा और इनकी जो वाइफ है वो यहाँ पर बैठी हुई थी। एक शख्स आता है नीले रंग की जैकेट डाले हुए, स्वेटर डाले हुए, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बाइक पर आता है, हेलमेट डालना होता है ताकि उसको कोई पहचाने ना। वो अंदर आता है और जो उनके बेटे हैं उनके कहता है कि उनको एक ब्राउन ब्रेड, 10 ब्राउन ब्रेड चाहिए। उनके पास एक ब्राउन ब्रेड का पैकेट पड़ा था, वो 10 पैकेट लेने यहाँ नज़दीकी होलसेलर है वहाँ पर जाते हैं। इतने में महिला दुकानदार को बातों में बिजी लगाए रखता है और कहता है कि 24 ठंडी बोतलें आप निकाल दीजिए दूध की। इतने में महिला जब उसको पैक कर रही होती है तभी गले में से 35,000 रुपये लेकर जो है शातिर चोर भाग जाता है। ये खबर बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए, सभी दुकानदारों के लिए, क्योंकि वैसे शातिर ठग और शातिर चोर कई तरह की इसी तरह की वारदातें कई जगह अंजाम कर सकता है, करनाल में, पानीपत में, कुरुक्षेत्र में, क्योंकि इस तरह के जो शातिर चोर होते हैं ये एक जगह नहीं टिकते हैं, एक जगह वारदात नहीं करते हैं, बल्कि पूरे देश भर में, आसपास के स्टेट्स में, आसपास के जिलों में घूमते हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी से अपील करता है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी दुकानदार अलर्ट हों, क्योंकि हमें पक्का विश्वास है कि ये शातिर चोर ठग आसपास के कई जिलों में भी इस तरह की वारदात को अंजाम देगा। इसलिए अगर आपका एक शेयर सभी दुकानदारों को अलर्ट कर सकता है कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा ग्राहक आता है जो एक पैकेट अगर आपके पास है वो 10 पैकेट मांगता है, आप वो लेने चले जाएंगे, दूसरे दुकानदार को कहेगा 24 बोतलें पैक कर दीजिए, इसी तरह से वो शातिर ठग इस तरह की और चोरी की वारदातों को अंजाम देगा। इसलिए हमारी आप सभी से अपील है कि दूसरे दुकानदार अलर्ट रहें जिस तरह की वारदात इस वेरका के आउटलेट पर हुई है, ताकि भविष्य में सभी दुकानदार अलर्ट रहें, इस तरह की वारदात ना होने पाए। और आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है मौके पर पहुंची हुई है, हम आपको सीसीटीवी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। महिला दुकानदार इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे, आंटी जी वो आया आपको बिजी लगा दिया, बेटे को भी बिजी कर दिया, क्या कुछ हुआ था पूरा बताएंगे, एक बार बताएं दोबारा ताकि दूसरी बार रहे। वो तो कहते हैं ना आया, कहते हैं मेरे को मिल्क बहुत चाहिए बोतल 24 ठंडी चाहिए, तो मैंने ग्रेट में डालनी शुरू कर दी। बेटे को कहता ब्रेड, कहता ब्रेड तो एक ही है, उसको भेज दिया उसने 10 ब्रेड लेने के लिए। जब मैं बोतलें गिरा के पूरी लेके आई हूँ, देखा तो पीछे मुड़ के तो वो था नहीं मेरे पीछे। हाँ जी हाँ जी, हेलमेट नहीं हेलमेट नहीं उतारा, मास्क डाला हुआ था उसने। हाँ जी डाला हुआ था। तो बड़े ही शातिर तरीके से वेरका के आउटलेट पे वो शातिर चोर आता है और किस तरह से एक ठगी कर 35,000 रुपए की लूट कर फरार हो जाता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी दुकानदार अलर्ट हो सके, सभी दुकानदार अलर्ट हो सके, जागरूक हो सके। करनाल ब्रेकिंग न्यूज बार बार आप सभी से अपील करेगा कि इस तरह का शातिर ठग, इस तरह का शातिर चोर कई जगह ऐसी वारदातों को अंजाम देगा। इसलिए इस खबर को पूरे देश भर में वायरल जरूर कीजिएगा। जितने भी फेसबुक ग्रुप आपके पास है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।